सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार नमस्कार। मैं संध्या आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल संध्या डांस कवर में। आशा करती हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राजस्थानी डांस स्टेप्स, इजी एंड बेसिक स्टेप्स लेके आई हूँ। और अगर बिगनर्स है तो वीडियो को लास्ट तक देखे, ध्यान से देखे और बार बार घर में प्रैक्टिस करे। तो आइए फ्रेंड, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के स्टेप्स बताते हैं। सबसे पहले ये मेरा राइट साइड है एंड ये मेरा लेफ्ट साइड है। आज मैं आपको जितने भी स्टेप्स बताऊंगी उसमें एक ही लेग पोजीशन रहेगी। तो लेग पोजीशन कुछ इस तरह है, हमें करना है 1 2 1 2। देखिए 1 2 1 2, इसे हम थोड़ा धीरे करेंगे 1 2 3 4। ओके फ्रेंड्स, देखिए 1 2 3 4। लेग की पोजीशन 1 2 3 4। एक बार हम लेफ्ट को उठाएंगे तो राइट फ्लोर पे रहेगा, राइट को उठाएंगे तो लेफ्ट फ्लोर पे रहेगा। ओके फ्रेंड, कमर की पोजीशन हमें लेफ्ट टू राइट करना है, ठीक है। 1 2 3 4। ओके फ्रेंड, ये तो था मेरे लेग पोजीशन। अब मैं आपको बताती हूँ हैंड्स का स्टेप। तो पहला स्टेप कुछ इस तरह है, हमें लेफ्ट हैंड को रखना है कमर पे और राइट हैंड को लेफ्ट साइड से ले जाते हुए, ऐसे ले जाते हुए, और हमें रखना है ऐसे शोल्डर पे। ओके फ्रेंड, 1 2। फिर हम लेफ्ट को राइट से ले जाएंगे और शोल्डर पे, देन 1 2 3 4। अगेन करेंगे 1 2 3 4। ओके फ्रेंड, लेग पोजीशन के साथ करके बताती हूँ 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके फ्रेंड, तो ये तो था मेरा फर्स्ट स्टेप। इसी स्टेप को कुछ अलग तरीके से कैसे कर सकते हैं। अभी तक हम अपने कमर पे रख रहे थे हाथ, अब हमें कमर पे नहीं रखना है, पांव को चलाते हुए हमें करना है 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके फ्रेंड, पहले हम एक हैंड से कर रहे थे, फिर दूसरे हैंड से कर रहे थे, अभी हमें दोनों हैंड को साथ में जाते हुए करना है। ओके फ्रेंड, तो ये तो था मेरा पहला स्टेप। अब आपको बताती हूँ सेकेंड स्टेप। तो सेकेंड स्टेप में अगेन लेग पोजिशन सेम है, हैंड्स का वो कुछ इस तरह रहेगा, हमें करना है 1 जाओ ऐसे करना है, 1 देन लेफ्ट साइड में 2 फिर 3 4। ओके फ्रेंड, कैसे किया 1 2 3 4। एक बार हमने ऐसे करना है दोनों साइड, फिर दूसरे बार शोल्डर में रखते हुए ऐसे करना। ओके फ्रेंड, तो कुछ इस तरह करेंगे 1 2 3 4। ओके फ्रेंड, तो कुछ इस तरह करा हमने 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके फ्रेंड, तो ये तो था मेरा सेकंड स्टेप। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपको बताते हैं स्टेप नंबर थर्ड। तो स्टेप नंबर थर्ड के लिए अगेन सेम पोजीशन है, हैंड्स का वर्क कुछ इस तरह रहेगा, हमें करना है 1 2। एक बार ऊपर शोल्डर पे राइट रहेगा तो लेफ्ट हैंड नीचे रहेगा, लेफ्ट ऊपर जाएगा तो राइट नीचे जाएगा, 1 2 3 4। ओके फ्रेंड, तो कुछ इस तरह करेंगे 1 2 3 4। ओके फ्रेंड, इसी स्टेप को अलग तरीके से कैसे करेंगे 1 2 3 4। ओके फ्रेंड, कैसे किया, एक बार तो हमें ऐसे ही करना है, देन फिर राइट हैंड लेफ्ट में जाएगा, देन शोल्डर पे जाएगा और फिर सेम हमें ऐसे करना है 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके फ्रेंड, तो कुछ इस तरह करा हमें, अपने लेफ्ट हैंड को सिंपली ऐसे ही करते रहना है, बस राइट हैंड की पोजीशन चेंज करनी है। ओके फ्रेंड, तो लेग पोजीशन के साथ करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पर खत्म कर सकते हैं, यहाँ पर खत्म
सकते हैं, ऐसे खत्म कर सकते हैं। तो ये तो था मेरा थर्ड स्टेप। अब मैं आपको बताती हूँ स्टेप नंबर फोर। तो स्टेप नंबर फोर के लिए अगेन लेग पोजिशन सेम है, हैंड्स का वर्क रहेगा 1 2 3 4 ऐसे करते हुए जा, किसी को जाने के लिए बोलना है तो ऐसे करें, ठीक है सिंपली। तो हमें ऐसे करके राउंड लेना है, कैसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 बैंड हो रही हूँ, फिर कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 आप दोनों साइड कर सकते हैं, राउंड में भी कर सकते हैं। ये तो था मेरा फोर्थ स्टेप। अब मैं आपको बताती हूँ फिफ्थ स्टेप। तो फिफ्थ स्टेप के लिए हमें करना है लेग पोजीशन सेम है, हैंड्स का वर्क कुछ इस तरह रहेगा, दोनों हैंड्स को क्रॉस देन ओपन, क्रॉस ओपन शोल्डर पे रखना है और फिर ओपन करना है। ओके फ्रेंड, कुछ इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके फ्रेंड। तो आई होप आपको सारे स्टेप अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। आज के जितने भी स्टेप हैं एक बार सारे स्टेप्स को रिवाइज करते हैं तो आप भी मेरे साथ जरूर करें। अब मिलेंगे आप अपने नेक्स्ट डांस ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप डांसिंग।